हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, 18वीं शताब्दी के मध्य वाले भाग में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो हमने कल ये पढ़ा था कि मुग़ल और जो दो राज्य हैं, एक तो बंगाल और अवध, मुग़लों के साथ साथ मुग़ल जो साम्राज्य था उसकी थोड़ी बहुत स्थिति पड़ी थी, और उनके उसके साथ साथ बंगाल और अवध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। अब जो अन्य प्रमुख राज्य थे उनके बारे में भी पढ़ लेना यहाँ पर उचित होगा, समीचीन होगा। अन्य राज्यों की स्थिति कैसी थी, ऐसा हम आज पढ़ेंगे। तो जो कल का टॉपिक था उसका पार्ट टू आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और इससे पहले कि हम इसका पार्ट टू पढ़ें, आगे बढ़े टॉपिक पर, हम जो डेली अनाउंसमेंट करते हैं कि COVID-19 जो महामारी जो फैल रही है उससे बचने के लिए आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइज़र सोप का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और केंद्र और राज्य द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस प्रदान की जाती हैं, निर्देश प्रदान किए जाते हैं, उनका पालन करते रहें। तो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति, तो जो इसका अगला राज्य हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैदराबाद। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन का जो मुग़ल सूबेदार था चिनकिलिच खान ने 1724 ईस्वी में की थी। चिनकिलिच खान को फर्रुख सियर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी, और मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी और अपना वजीर बना लिया था। उसने शकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 में शकूर खेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम की सहायता से मुग़ल सूबेदार मुबारिस खां को उसने परास्त किया था। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई थी। निजामुल मुल्क के बाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, निजाम अली, सिकंदर जाह, नासिरुद्दौला, अफजलुद्दौला, महाबत अली खां और उस्मान अली खां शासक बने थे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मार्क की बात यह है कि हैदराबाद पहला भारतीय राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रथा थी उसने स्वीकार की थी। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हैदराबाद रियासत ने अपना विलय स्वीकार नहीं किया था। निजाम उस्मान अली खां जो था वो पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन 1948 में भारत ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया गया। निज़ाम को गद्दी से हटा दिया और 1 नवंबर 1948 को जो हैदराबाद जो प्रदेश है वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। तो इस तरह हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य था। इसके बाद हैदराबाद के बाद कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक की राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी। उसने अरकाट को अपनी राजधानी बनाया था। अरकाट का जो प्रसिद्ध घेरा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था एक पिछले वीडियो में, तो उसने अरकाट को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद दोस्त अली कर्नाटक का शासक बना। दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना, किंतु दोस्त अली के दामाद चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला।
ये सारा घटनाक्रम हम आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष जो हुआ था, जो फ्रेंच जाति का, उसमें उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। और अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेज़ों की मदद से कर्नाटक का नवाब बना। तो इस तरह ये सारा घटनाक्रम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जो आंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वो। अगला जो राज्य है वो भरतपुर, अगली जो स्लाइड है भरतपुर राज्य की है। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने की थी। उसने अपने नाम में महेंद्र शब्द जोड़ा था। बदन सिंह ने भरतपुर, कुम्हेर, वेद और डीग के किलों का निर्माण करवाया। इसी ने डीग के महलों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद बदन सिंह के बाद सूरजमल 1756 से 63 ईस्वी शासक हुआ। उसको जाट जाति का प्लेटो, वो अत्यंत बुद्धिमान था इसलिए उसको जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। सूरजमल के समय में ही 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें वो तटस्थ रहा था। उसने न मराठों की साइड ली थी न ही अब्दाली की। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह भरतपुर का शासक बना था। 1804 ईस्वी में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को सहायता दी तो अंग्रेज जनरल लेक ने डीग को घेर लिया व उस पर कब्जा भी कर लिया। जनरल लेक भरतपुर के किले की भी घेराबंदी करते हैं किंतु भरतपुर के लोहागढ़ को वह जीतने में असफल रहा। इसके बाद जो एक था वो है रुहेलखंड। स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी बरेली क्षेत्र में आंवला नामक जगह थी। बाद में यह राजधानी रामपुर हो गई। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध को रुहेलखंड के विरुद्ध सहायता दी। अप्रैल 1776 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान मारा गया और रुहेलखंड को अवध में मिला लिया गया। इसके बाद फर्रुखाबाद में बंगश पठानों ने मोहम्मद खां बंगश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद राजपूत राज्य, ये इम्पोर्टेंट है। राजपूत राज्य उस समय वे आपस में भी कई बार लड़ते रहते थे और मराठों से उस समय वे बहुत परेशान थे। मराठे समय समय पर आक्रमण करके राजपूत राज्यों में हस्तक्षेप करते रहते थे तथा उनसे बार बार कर वसूलते रहते थे, उनके क्षेत्रों को लूटते रहते थे। इस समय राजपूतों में जो प्रमुख शासक था वो था मिर्जा राजा सवाई जयसिंह। 17 जुलाई 1734 को, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मराठों की बहुत बड़ी समस्या थी, तो मराठों की समस्या से निजात पाने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय
बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि सम्मिलित हुए और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें यह तय हुआ कि सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुरला सम्मेलन असफल रहा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद आमेर में भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और बाद में 1787 में सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध में परास्त किया। तो राजपूतों की जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि वे आपस में लड़ते रहते थे और ध्यान नहीं देते थे। मैसूर जो राज्य है वो पहले विजयनगर के अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद वाडियार वंश चल पड़ा और वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था चिक्का राजा कृष्ण द्वितीय, उसके बाद सत्ता जो थी वो हैदर अली के पास चली गई। हैदर अली पहले इनके इसके राज्य में एक सैनिक अधिकारी था, तो उसने बाद में 1761 में मैसूर के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब हैदर, ये जो मैसूर राज्य है, हैदर अली का पुत्र जो था टीपू सुल्तान था। अब मैसूर राज्य और अंग्रेजों का विस्तृत संघर्ष हुआ बाद में चलकर। इनके बीच में 4 युद्ध हुए। तो ये हम जो आगे टॉपिक आएगा मैसूर का संघर्ष, उसके टाइम हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह संघर्ष हुआ। इसके बाद पंजाब राज्य गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के पास आ गया, लेकिन 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जो था उन्होंने आक्रमण किया था, इससे भी सिख शक्ति को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद दल खालसा जो था उसका निर्माण हुआ और यह दल खालसा आगे चलकर 12 मिसलों में विभाजित हो गया। इनमें जो सबसे प्रमुख मिसल थी वो थी सुकर चकिया। सुकर चकिया एक सबसे प्रमुख मिसल थी, इसको ही इसी मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और जो महाराजा रणजीत सिंह जो एक प्रसिद्ध शासक हुआ उसके वो जो था वो सुकर चकिया मिसल से ही संबंधित था। जो सुकर चकिया मिसल का जो प्रमुख था महासिंह रणजीत सिंह उसी का पुत्र था। तो इस तरह से सिख शक्ति जो है वो एकत्र हुई। अब हम सिखों के बारे में भी, इसका भी अलग से एक टॉपिक आएगा, तो उस सिखों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला राज्य है वो है केरल का। केरल में 18वीं शताब्दी के मध्य त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने केरल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यूरोपीय अधिकारियों की मदद से उसने स्थायी सेना का निर्माण किया, उसने एक अच्छा प्रशासन स्थापित किया और विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया। तो इस तरह से केरल में भी इस समय एक
नवीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। वैसे ये राज्य पहले से मौजूद था त्रावणकोर का, इसने एक विस्तार किया अपने तत्कालीन परिस्थितियों का को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से हमने तत्कालीन समय की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।